प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ऊंचे लंबे कद तकरीबन 6 फुट, रंग गंदमी, अचकन पहने, खुला पाजामा, गांधी टोपी सर पर, हाथ में छड़ी, तैमूल मिजाज, शहर का एक मशहूर मोहल्ला करण नगर, जहां वो रहते हैं, रियासत जम्मू व कश्मीर की चंद गिनी चुनी शख्सियतों में से एक हैं। शहर की अदबी समाजी महफिलों में आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। सन 1914 में प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री का जन्म जम्मू में ही हुआ। 90 बरस के हो चुके हैं, मगर चुस्त दुरुस्त। शहर की एक ऐसी जानी पहचानी शख्सियत जिन्हें देखकर अदब से सर झुक जाता है। शास्त्री जी साहित्य अकादमी इनाम याफ्ता, साहित्य अकादमी की फेलोशिप से सम्मानित और पद्मश्री के एजाज से नवाजे जा चुके हैं। आइए आपकी मुलाकात इसी शख्सियत यानी प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री से करवाएं। डोगरी साहित्य ने पिछले 60 वर्षों के अरसे में एक लंबा सफर तय किया है। ये लंबा सफर अपने आप में एक मिसाल है। ये वो सफर है जो दूसरी भाषाओं ने शायद सदियों में तय किया है। 1940 के दशक से आज तक डोगरी भाषा लगभग कुछ ना होने की लेवल से जिस लेवल तक पहुंची है, उस सफ़र के अगुआ और उसके साक्षी प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज हम इनसे डोगरी साहित्य के बारे में, इनके जीवन के बारे में, उस समय के जम्मू के बारे में, इनके बचपन, इनकी जवानी, इनकी आकांक्षाओं और जो इन्होंने जीवन में हासिल किया, उसके विषय में बातचीत करेंगे। शास्त्री जी, हम सबसे पहले डोगरी से ही अपनी बातचीत शुरू करते हैं। 1940 के दशक में जब डोगरी साहित्य नाम मात्र का था, लिखित साहित्य की बात कर रहा हूँ, और आज जिस स्थिति के ऊपर हम पहुँचे हैं, ये जब आपने ये प्रण लिया, शुरू किया, आपके मन में क्या विचार थे, वो क्या भावना थी? क्योंकि उस वक्त तो उर्दू का, हिंदी का दौर था और आपने डोगरी में लिखने की, डोगरी में तहरीक शुरू करने की ये जो बात सोची, ये कैसे आपको विचार आया, कैसे आपको साथी मिले, वो क्या वक्त था, ज़रा हम जानना चाहेंगे। ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया ललित जी, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी जुड़ी रही है इस आंदोलन के साथ, तो मुझे वो दिन याद आते हैं। 40 का जिक्र आपने किया, उस वक्त हम एक कच्चे मकान में किराए पर रहते थे, 5-10 रुपया किराया होगा। मेरे पिताजी आयुर्वेदिक वैद्य थे। अच्छा। खाने पीने के बड़े शौकीन थे, गाय भैंस रखनी ये उनका शौक था। हाँ। और जिस मकान में हम रहते थे उसकी ड्योढ़ी जिससे गुजर करके 2-3 और परिवार वहाँ रहते थे, इसी से जाते थे, वहाँ हम अपनी गाय बांधते थे। अच्छा। गायों से हमें बड़ा प्यार था, मुझे बड़ा प्यार था। मैं शाम को भी उनको खर खर करता, ये सब करता, गोबर उनका उठाते। माता मेरी 4 बजे उठती थी, मुझे याद है, और अकेली काम करती थी। हम 5 भाई थे, 3 बहनें थी, बाप थे, पिताजी, और फिर देहात के लोग, हमारे रिश्तेदार आते जाते थे, सब ठहरते। 2-3 कमरे थे वो मकान, मुझे अब तक याद है। परेड ग्राउंड बड़ी साथ थी, कोई ट्रैफिक नहीं थी, कोई खुली जगहें थी, मैं फुटबॉल भी खेलता था, हॉकी भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था, बड़ी आज़ादी की ज़िंदगी थी। शास्त्री जी, सभी लोग जानते हैं और सब लोग बात करते हैं कि आप फुटबॉल बड़ा अच्छा खेलते थे। ये रणवीर हाई स्कूल में आने के बाद शुरू किया है? नहीं, इसके भी बाद? नहीं, जब हम मिडिल में पढ़ते थे, 6ठी 7वीं 8वीं, तो हमारे साथ एक गुज्जर लड़का होता था, नाम नहीं उसका मुझे याद है, लेकिन कुछ एल्डरली लगता था, मेरे बड़े भाई जैसा था वो। अच्छा। बस आधी छुट्टी हुई, आधे घंटे। कौन सी क्लास में? 8वीं में? 7वीं या 8वीं में। अच्छा। तो वो उसी सेक्शन में मेरे साथ ही पढ़ता था, तो चलो भाई साथियों प्लेट में और उसने टेनिस का बाल रखा होता था, तो आपने फुटबॉल इधर से ही बस फुटबॉल खेलने के लिए चले जाना, नाचना कूदना खूब बड़ा। तो वो मुझे, मैं बैक खेलता था डिफेंस में,
तो लड़के मेरी हेल्थ हुल्थ अच्छी थी और मुझे मेरे फैन बड़े थे जो बड़े मैं वही कर... बात कह रहा हूँ कि हमसे जो बड़ी जनरेशन है उनमें बहुत लोगों से बात हुई तो काफ़ी बात यह की जाती है कि शास्त्री जी बहुत अच्छा फुटबॉल खेला करते थे और बैक हुआ करते थे बैक खेलता था। हाँ जी, आपने इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली? ना जी, कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी। हम कभी हिट लगाना कभी किक लगाना, कोई पता नहीं था कि हिट और किक में फ़र्क क्या होता है। लेकिन फिर फुटबॉल भी खेलते थे और फुटबॉल फिर हमारा मुकाबला होता था खड़ीकों के तालाब का स्कूल था एक इस्लामिया, वहाँ के लड़के आकर के फिर हमें ज़रा दबदबा दिखाते थे अपना। अच्छा, तो हम कभी हम जीतते थे कभी वो जीतते थे। तो फुटबॉल तो मेरी ज़िंदगी में दरअसल फुटबॉल की वजह से ही मैं नौकर हुआ कॉलेज में। अच्छा, ये आप हैरान होंगे कि मैं 38 में मैंने ओनली इंग्लिश में कॉलेज में पढ़ता था, मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं था। उसकी एक बड़ी खूबसूरत कहानी है। कौन से कॉलेज में पढ़ते थे? पिताजी मुझे कहने लगे, बेटा भैया आप लोग फैसला करो कि मेरा प्रोफेशन किसने अडॉप्ट करना है। मेरे पास ये किताबें हैं, ये दवाइयाँ हैं, ये सब चीज़ें हैं हकीमी, और मैंने कहा हकीमी का ये कौन करेगा? तो मैंने उन्हें कहा कि जिसको आप सिलेक्ट करेंगे, जिसको चुनेंगे, मुझे कहिए तो मैं करूँ। तो मैं अगर मुझे कहेंगे तो फिर मुझे थोड़ी संस्कृत तो आनी चाहिए, किताबें संस्कृत में होती हैं। कहने लगे हाँ, चरक सुश्रुत निघंटु सब संस्कृत में हैं, तुम संस्कृत पढ़ो। लेकिन फिर पिताजी बड़े देहात से आए हुए थे जी, रियासी के पीछे एक माड़ी गांव है वहाँ से आए हुए थे। आपका जन्म जम्मू में हुआ? मेरा जन्म जम्मू में हुआ जी। तो मुझे महसूस होता है साहब कि 38 में मैं पाठशाला में रणबीर हाई स्कूल की पाठशाला थी। अच्छा, स्कूल की स्कूली पाठशाला थी। एक कबीरतन के पिताजी मेरे गुरु थे रघुनाथ शास्त्री। अच्छा, ये कहाँ थी? ये रणबीर हाई स्कूल की छठी जमातें जहाँ रेडियो स्टेशन बना था पहला, उस रेडियो स्टेशन के सामने के तीन कमरे और सामने के तीन कमरे ये पाठशाला के थे। वो जो बाकी स्कूल के साथ एनेक्सिस ही दिखाई देता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वही थे। यहीं फिर रेडियो स्टेशन 48 में खुला। अच्छा, तो साफ अंदाज़ा लगाइए कि मैं पंडित जी के पास, मैं और खेमचंद शास्त्री मेरे दोस्त थे, हम दोनों वहाँ पाठशाला में पढ़ते थे उनके पास। बड़ी दिलचस्पी से पढ़ाते थे वो। फिर वहाँ से मैं ओनली इंग्लिश का स्टूडेंट बन करके कॉलेज में भी चला गया, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज। जी हाँ, ये कौन से साल की बात होगी? ये 35-33 में हम वहाँ जब दाखिल हो गए, चार क्लासें हमने एफ ए के 2 साल लगाए और फिर बी ए के 2 साल लगाए। अच्छा, बी ए मैंने 38 में किया, शास्त्री मैंने 37 में किया। ये 37 और 38 का फ़र्क बड़ा ज़रूरी था कि शास्त्री पहले होना चाहिए था और फिर बी ए ओनली इंग्लिश आप बाद में करिए, आपको डिग्री मिलेगी। अच्छा, और जी आप तो शिवाराम सूरी थे प्रिंसिपल जी। हाँ, वो बुला करके टाइम टेबल बनाने वाले को कहते थे, भाई वो पाठशाला वाले 2 लड़के आते हैं, उन्होंने पाठशाला जाना होता है, पहला अंग्रेजी के 2 पीरियड रखे। कितना ख्याल रखते थे। 4 साल तक आप अंदाज़ा लगाइए कि हम 2 पीरियड पहले पढ़ते थे और फिर पाठशाला पढ़ने चले जाते थे। तो आप एक ही वक्त में कॉलेज में भी और पाठशाला में भी पढ़ते रहे। पिताजी ने मुझे कभी नहीं पूछा कि संस्कृत का पढ़ना खत्म हुआ नहीं तुम्हारा। अच्छा, वो किया जिस काम के लिए शुरू किया था वो रह गया। वो काम उन्होंने मुझे, उनको भी याद नहीं, मैं बड़ा मस्त 2 जगह जाता था, वो यही इस बात में ही खुश थे कि लड़का कॉलेज में भी जा रहा है पाठशाला में भी पढ़ रहा है। शास्त्री जी, ऐसा तो नहीं कि यही जो आप विद्या ग्रहण कर रहे थे इसी से आपका साहित्य के प्रति रुचि इन्हीं दिनों जागी हो, इसी से आपके दिमाग में? उस वक्त तो मेरे अंदर कुछ भी था नहीं साहब। मैंने जब ये बीए कर लिया तो फिर सवाल पैदा, जिस दिन मैंने बीए किया उसके आगे पीछे 10 दिन आगे पीछे पिताजी रिटायर हो गए। शास्त्री आप बीए से 1 साल पहले कर चुके थे? शास्त्री कर लिया था, इसलिए ओनली इंग्लिश पास करने से हमारी वो डिग्री हमको मिल गई। अच्छा, डिग्री तो मेरे पास हो गई लेकिन नौकरी कोई नहीं थी। मेरे कॉलेज में एक हरिराम चोपड़ा होते थे, वो सुपरिटेंडेंट थे वहाँ जी, एसओ नहीं कहते थे, वो सेक्शन ऑफिसर नहीं होता था उस वक्त। वो आ गए थे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, मंडी में उसका दफ्तर था वहाँ, तो वो मुझे जानते थे, मैं उनके पास जाता था। मैंने कहा लाला जी कोई मेरे लिए नौकरी निकालिए।
कहने लगी, बेटा कोई नौकरी हो तो मैं तुम्हें दूँ ना, मैं कोई 10 दफ़ा उनके पास गया होऊंगा। 38 में बीए था, शास्त्री था, प्रभाकर था, लेकिन और नौकरी नहीं मुझे मिलती थी। 38 में, 38 की बात कर रहा हूँ साहब, 38 में फिर मुझे मालूम हुआ कि यहाँ प्रताप मेमोरियल, श्री प्रताप मेमोरियल राजपूत स्कूल प्राइवेट संस्था है, वहाँ पंडित कृष्ण दत्त जी होते थे संस्कृत वाले, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, संस्कृत की जगह खाली हुई। ग्रेड था 35-2.50 का, 35 रुपये स्टार्ट, 2 रुपये एनुअल इनकम, साल के बाद 2 रुपये बढ़ने। मैंने वहाँ एप्लीकेशन दी, मुझे वो नौकरी मिल गई। सरकारी नहीं थी? सरकारी नौकरी नहीं मिली। शास्त्री जी, आपने अपनी नौकरी की शुरुआत स्कूल से की, लेकिन फिर आप काफ़ी अरसा तक कॉलेज में पढ़ाते रहे। ये स्कूल से कॉलेज की तरफ आना, और मैं जानता हूँ कि जम्मू में जब हमारी मुलाकात होती है हमारे से एक पीढ़ी पहले के लोगों के साथ, तो सभी लोग ये चर्चा करते हैं कि शास्त्री जी एक बहुत बढ़िया टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, और लगभग सभी लोग जो आज जम्मू के समाज में अच्छा स्थान रखते हैं वो आपके स्टूडेंट रहे हैं। तो ये आपकी स्कूल से एजुकेशन से कॉलेज के एजुकेशन की तरफ ये क्या मोड़ आया, कब आया और कैसे हुआ, इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। ललित जी, ज़िंदगी एक ऐसी अनबूझ पहेली होती है ना, पता ही नहीं होता कि आगे आपके कौन सा कदम आना है, कौन सी जगह आनी है, मोड़ क्या आना है। मेरी बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी चल रही थी, पिताजी रिटायर हो गए, मैं 35 रुपये का मास्टर था, ट्यूशन भी करता था, शादी हो गई थी, शादी भी हो गई थी। अब देखिए, एक कोई पता नहीं, मुझे ये ख्याल होता है साहब कि कुदरत मेरे साथ साथ चलती थी और मुझे कहीं उसने गुमराह नहीं होने दिया। मुझे जैसे थोड़ा सा इधर से इधर हो जा भाई, थोड़ा इधर हो जा, थोड़ा इधर हो जा। मेरे शादी के बाद 3 साल हो गए साहब, मैंने 38 में कॉल किया, 41-40 की बात कर रहा हूँ, मेरी मदर की डेथ हो गई, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उन ज़माने में आप डोगरा समाज के घरों को जानते हैं कि एक वक्त खाना बसार नहीं डालने, हल्दी नहीं डालनी, ये नहीं करना, तड़का नहीं लगाना। मेरी बीवी की किसी ने परवाह नहीं की जी। मेरी बीवी बीमार हुई, मायके में चली गई, वहाँ उसकी डेथ हो गई। मायके कहाँ थे? पुरानी मंडी में। अच्छा अच्छा, इंदरसन बड़कुलियों के घर थे। मेरी एक बहन ब्याही हुई थी उधमपुर में, रामचरण बड़े मशहूर मास्टर थे वहाँ, रामचरण मगोत्रा, हाँ जी, उधमपुर में। उनके साथ मेरी मंझली बहन जो थी रत्ना, उसकी शादी हुई थी जी। वो मेरे माता की सेवा करती थी, साल के बाद उसकी भी डेथ हो गई। 3 डेथ्स हो गई। मैं अकेला 35 रुपये का मास्टर, नरेंद्र छोटा, नरेंद्र की बहन कृष्णा छोटी, नरेंद्र आपके छोटे भाई, छोटा भाई नरेंद्र खजूरिया, कमरे 2-3 पिताजी ने बनवाए हुए थे, मैं एक कमरे में बैठ जाता था, बिजली नहीं जलाता था। सोच मेरे अंदर बड़ी होती थी कि भाई इस ज़िंदगी का बोझ तू कितनी देर तक उठाएगा। फिर मैं सोचता था कि खुदकशी करनी है तो किस तरह से करनी है। अच्छा, किसी इमारत से छलांग लगानी चाहिए उस वक्त, या कोई और दरिया में करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा भी सोचते मैं। मतलब फाइनली मेरे अंदर 2 ही अल्टरनेटिव थे, या तो मैं घर से भाग जाऊँ और कहीं चला जाऊं, तो मैं सोचता कहाँ जाऊंगा मैं। अब हरिद्वार में तो मेरा कोई बैठा हुआ नहीं है रिश्तेदार कि मैं उसके पास चला जाऊं, या अब ये करूं वो करूं। और फिर मेरा उस तरफ कोई रगबत भी नहीं थी, कोई बहुत धार्मिक वृत्ति का मैं आदमी नहीं था। फिर मुझे संस्कृत का कुछ याद आया कि भाई ये तो कायर लोग सोचते हैं आत्महत्या करने की बात, ये नहीं, सप्लीमेंट करना चाहिए इस ग्रीफ को, ये तुम्हें दबा लिया है इसने, तो इससे निकलो, बाहर निकलो। बाहर कैसे निकलूं साहब? उसने कहा पढ़ो, इम्तिहान दो एमए का। तो मैंने कहा मेरे पास तो 35 रुपये से मेरी गुजर नहीं होती, फुलका बनाने की मेरी छोटी बहन को आप जांच नहीं है कि वो कैसे फुलका बनाएगी, वो 4-4 तो नुकरों वाले फुलके बनाती थी बेचारी, छोटी उम्र की थी, बहुत छोटी उम्र की थी। उसने कहा ट्यूशन करो। 2 ट्यूशनें महाराज मैं घर जा करके पढ़ाता था, 15-15 रुपये उनसे लेता था, बीए की संस्कृत पढ़ाता था, 30 रुपये मैं रखता था अपने वो अलग कि ये किताबों के लिए। मैंने एमए की सब किताबें खरीद दी साहब। अच्छा, तो मैं लाहौर में जा कर के, अयोध्या नाथ होते थे एक यहाँ एमए हिस्ट्री के करना था उन्होंने, वो मेरे दोस्त थे जी,
उनके साथ मैं लाहौर में गया, उन्होंने मैथ का इम्तिहान देना था, मैंने संस्कृत का देना था। वो देव समाज के हॉस्टल में हमें ले गए और वहाँ एक कमरा हमको, तो प्राइवेट तैयारी करके मैं चला गया वहाँ। रिजल्ट आया था, मैं पास तो हुआ, फर्स्ट डिवीजन मेरी 4 नंबर से रह गई। अच्छा, तब भी ठीक है। उन्हीं दिनों डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा रिटायर होने वाले थे, उनको एक्सटेंशन गवर्नमेंट ने दी हुई थी और बी लिंग की क्लासेस चल रही थी, जिसमें श्यामलाल जी, तेजराम जी, ये बी लिंग करते थे, बैचलर ऑफ लिंग्विस्टिक्स। श्यामलाल शर्मा, तेजराम खजूरिया, तेजराम खजूरिया एक कश्मीरी पंडित थे, काओ। अच्छा, काओ तो छोड़ के चले गए। अब देखिए, कुदरत ने उनको एक्सटेंशन दिलवाई मेरे लिए कि एमए पास कर, तैयार हो तू, इनकी जगह पर तू ना। मैं समझ नहीं सका साहब कि ये कुदरत क्या करती है, कैसे करती है। जब वो रिटायर हो गए, ये अक्टूबर नवंबर की बात है साहब, तो मैंने कहा भाई नौकरियां ऐसे तो मिलती नहीं, सिफारिश होनी चाहिए। तो मेरी नज़र गई, पंडित राजा राम जी होते थे डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन की जी, रेहाड़ी मोहल्ले में उनका अपना मकान था, वहाँ उन्होंने बनवाया। मैं, मेरे वसीला वही था, मेरा कोई दूसरा आदमी वाकफ नहीं था। मैं जाता था कभी कभी उनके पास जी। मैं उस दिन भी गया, एतवार, आप जल्दी आ गए यात्री, क्या बात है। मैंने कहा जी आप मेरी कुछ मदद कीजिए, जगह निकली हुई है एडहॉक बेसिस पर, उन्होंने आदमी लगाने हैं तो आप कुछ। उसने कहा चाय पी लो पहले, चाय पी। मैंने कहा इन्होंने जवाब नहीं दिया। कहने लगे देखो शास्त्री, बात यह है कि आई एम ऑलरेडी कमिटेड टू समबडी, इसी जॉब के लिए। अच्छा, तो मैं दो आदमियों को तो मदद नहीं कर सकता हूँ, आप ये काम क्यों नहीं करते। ये ब्रिगेडियर घनसार सिंह जी का मकान है, इसी सड़क मेरे घर से कोई एक फरलांग, तो वहाँ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन रहते हैं के जी सहीदैन, व्हाई डोंट यू मीट हिम। अच्छा, ये उन्होंने व्यंग से कहा या मुझे ठीक नेक सलाह दी, ये मैं नहीं कह सकता। मुझे आज भी याद है जी कि राजा राम जी के घर से घनसार सिंह जी के मकान तक एक फरलांग का रास्ता, मुझे यूं मालूम हुआ कि मेरी टांगों में जोर नहीं, चल नहीं सकता था मैं साहब। जाकर के ड्यूटी पर खड़ा हो गया तो मुझे डोगरी में आवाज़ आई, कोई डोगरी में हंस रहा है, बात कर रहा है। मैंने कहा ये चपड़ासी होंगे, तो मैं गया तो उन्होंने कहा साहब जी क्यों, किससे मिलना है। तो कहने लगे बैठो, कुर्सी रखी हुई थी वहाँ बैठ के, का पुर्जा उन्होंने दिया, अपना नाम लिखो, मैं जा कर के उनको देता हूँ, कमरे में ही हैं बैठे हुए, बुलाएंगे तो आप जाइए, लेकिन 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने जी। मैंने कहा जी बहुत अच्छा। वो 10 मिनट भी मेरे लिए बड़े भारी थे कि मैं बड़े आदमी से पहली बार मिलने गया था। कहने लगे फरमाइए कैसे आना हुआ। अब मुझे ये मालूम नहीं है साहब कि मेरे मुंह से किस भाषा में कोई शब्द निकले होंगे, मैं यही जो भाषा आपसे बोल रहा हूँ इसी तरह की भाषा बोलता था, बीच में उर्दू के लफ्ज़ भी आते थे, ये भी आते थे। एक तो वो एक कन्वेंशनल रूप होता है शास्त्री का, एमए का, संस्कृत जिसने की हुई है, मौलवी का, वो वक्री टाइप के ही आदमी अलग किस्म के होते। उसने देखा ये कोई नई किस्म का आदमी है, ये तो शामिलिया का स्टूडेंट मुझे मालूम होता है, ये तो वही वही लड़के हैं, उसी तरह की अचकने पहनी हुई हैं, उसी तरह की टोपी लगाई हुई है। मेरे साथ वो बातें करने लग शुरू हो गए। कहने लगे क्या क्वालिफिकेशन है आपकी। मैंने कहा साहब एमए किया हुआ है, शास्त्री हूँ, ऑनर्स इन संस्कृत हूँ, ऑनर्स इन हिंदी हूँ। कहने लगे वेरी गुड, क्वालिफिकेशन तो आपकी ठीक है, लेकिन एक बात बतलाइए, कभी प्ले ग्राउंड में भी गए। मैंने कहा सर आई बिलोंग टू द फर्स्ट 11 ऑफ द कॉलेज फुटबॉल। ही डिडंट बिलीव इट। अच्छा, हैरान होकर के कहने लगा ठीक कह रहे हैं आप। मैंने कहा साहब आपके पास तो प्रिंसिपल साहब आते होंगे यहाँ के, गिरधरलाल गुप्ता थे प्रिंसिपल जी, वो मेरे ग्रुप ट्यूटर भी रहे हैं, उनसे पूछिए, ही नोज इट। मेरे साथ आधा घंटा वो बात करते रहे। तो कहने लगे अगले एतवार इसी वक्त फिर आइए। निकला, मैं इतना हल्का महसूस कर रहा था कि जितना राजा राम के घर से अपने घर तक जाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अगले एतवार मैं गया तो मुझे उन्होंने बुला लिया, अब चिट गई मेरी तो जी। तो कहने लगे हमने और भी एक काम करना था, वो भी कर लिया है। मैंने कहा क्या काम करना था आपने।
के लिए हमने सिद्धेश्वर वर्मा जी यही हैं अभी जम्मू में, हमने उनको रेफर किया कि भाई ये लिस्ट है 10 आदमियों की, तो इनमें से आप किसको रिकमेंड करते हैं। ये बात मुझे तेजराम जी ने बतलाई थी। अच्छा, तेजराम जी डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा के साथ रहते थे, उनके शिष्य शिष्य की तरह। तो उन्होंने कहा कि वो मुझे बुलाया उन्होंने कि तेजराम ये देखो इनमें से कौन आदमी नहीं आया है मेरे पास अब तक। उसने पुंजाब साहब का नाम देख करके उसने कहा जी ये लास्ट लड़का नहीं आया है, सब आए हैं आपके पास। उसने कहा इसको रिकमेंड कर दो। और साहब मेरा उनका रिकमेंड करना, फिर मेरा एडहॉक बेसिस पर मैं अब चला गया था। अच्छा शास्त्री जी, अब ये वो वक्त होना चाहिए, ये 44 है साहब, 44 तक आप पहुँच। और मेरे विचार में 44 का साल सिर्फ डोगरी साहित्य के लिए ही नहीं, सारे डुग्गर प्रदेश के लिए खास महत्व का साल है। इसी साल डोगरी संस्था की नींव रखी गई, लेकिन आपने हमें अपने पढ़ाने के बारे में तो बताया, अपनी नौकरी के बारे में बताया, अभी तक आपने ये नहीं कहा कि आप साहित्य की तरफ कैसे झुके। इस वक्त जब ये 44 तक आप पहुंच चुके थे, तो यकदम आप में डोगरी संस्था बनाने की बात, या डोगरी में लिखने की बात, या दूसरों को प्रेरित करने की बात डोगरी में लिखने की कैसे आई? ललित जी ये सवाल ज़रा थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं इस पर बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे अंदर एक दर्द पैदा हुआ था। हम लोग जिस शहर में रहते थे ये डोगरों का शहर जी, डोगरे हाकम थे यहाँ, लेकिन वो दीनू भाई जी ने कहा है कि लोग मीने मार दे डोगरे दा राज, डोगरे दा हाल मंदा जुड़दा निसाग है। हमारी वो हालत थी, डोगरों के ऊपर ये कहा जाता है कि डोगरों का राज है, और हमारी हालत ये है कि हमें खाने के लिए साग मुहैया नहीं होता। तो सब ये दर्द था उन लोगों की वजह से जिनको महाराजा इमनाबाद से धल दूसरे से वहाँ पंजाब से पढ़े लिखे लोग आए थे, दफ्तर चलाने थे, मास्टर चलाने थे, क्लर्क बनाने थे, बड़े बड़े अफसर प्रोफेसर सारे कॉलेज में जो जितने थे, वो कश्मीरी पंडितों के सिवा कोई डोगरा मुझे दिखाई नहीं देता था वहाँ जी। बाहर के लोग तो थे, ड्रामा क्लब्स में वही लोग पार्ट करते थे, वकील वही थे, डॉक्टर वही थे, बिजनेसमैन वही थे, बिजनेसमैन वही थे, सब वही थे, और हमको वो हकारत की नज़र से देखते थे, हमें वो डंगर कहते थे कि ये लोग अनपढ़ हैं, इनकी कोई भाषा है। तो ये चीज़ें चुभती रहीं साहब, चुपने के बाद हम कर्म क्या सकते थे, हम उनको निकाल नहीं सकते थे, हटा नहीं सकते थे। हमने कहा भी अपना घर संभालो, दो चार आदमियों के साथ मिलकर के हमने बात की कि भाई ये बड़ी दुख की बात है कि डोगरी का अपमान होता है और हम लोग चुप रहते हैं, और कोई बाहर से सामने आ जाता है, 9 आदमी हम बैठे हैं, 10वां कोई बाहर का आया है, हम तो उसकी जबान में भाषा में बात करने लगते हैं, इससे बड़ी जलालत और क्या हो सकती है हमारे लिए। ये एक दर्द था साहब, जिसने पंडित संसार जिन सिंह के साथ मिलकर, भागवत प्रसाद साठे के साथ मिलकर, दीनू भाई के साथ मिलकर, मैं था, 5-6 आदमी थे हम, मिश्रा जी के घर में ही ये मीटिंग हुई थी कि डोगरी संस्था की स्थापना की जाए। लेकिन शास्त्री जी ये बात हम जानते हैं, ये बात आपने आगे भी कही है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इनसे आस्मिक ऐसे ही मिल गए होंगे यकदम? नहीं, कहीं कोई इनसे संबंध बना होगा आप मिश्रा जी के साथ? मिश्रा जी को मैंने क्लास में कॉलेज में नहीं पढ़ाया था, वो 4th ईयर में थे। अच्छा, लेकिन मेरे नज़दीक आ गए थे वो, ये मुझे पता नहीं कि कोई। लेकिन ये रुचि के डोगरी की तरफ, देखिए साहब डोगरी कोई मालूम हुआ कि हमारे अंदर जो बीमारी है शहर में, या तो आप हो जाइए पंजाबी बोलिए और नौकरी कीजिए और ये कीजिए वो कीजिए, ठीक बात, डोगरी नहीं आप बोल सकते। हमें ये पता नहीं था कि हमारे कितने बैलेट्स हैं, बाबा जितो का कोई बैलेट्स है, मियाँ डीडो का कोई बैलेट है, हमें बैलेट का पता ही नहीं था जी कि ये कहाँ से आए होंगे, कौन। ब्याह शादियों में जो गीत गाए जाते थे वही था, वही जानकारी थी हमें। तो फिर उनके घर में मीटिंग हुई, उनके घर में मीटिंग हुई और फैसला हुआ कि डोगरी संस्था की स्थापना की जाए। बसंत पंचमी का दिन था, 44 का महीना था, ये फरवरी का ही महीना होता, यही जिस यही दिन थे। तो साहब जगह कोई नहीं थी बैठने के लिए,
परेड ग्राउंड में यूकलिप्टस के दरख्त हैं उनके नीचे बैठते थे, डोगरा हाल में हाल नहीं था उनकी छत पर जाकर के बैठते थे, रणवीर हाई स्कूल के बाहर एक प्लेटफार्म बना हुआ जिसके नीचे से बदराउन जाती है उस पर बैठते थे। शिवनाथ जी ने याद दिलाया कि आप कर्नल शिवनाथ, हाँ कर्नल शिवनाथ जी ने, कि दीवानों के मंदिर की प्रदक्षिणा में बैठते थे, हफ्ते में मिलते थे 5-6 आदमी, दिनों भी लिखते थे, मैं भी लिखता था वे, और ये भक्त प्रसाद साहब। और उस वक्त आप डोगरी में ही लिखते थे या उस वक्त नहीं, हिंदी में भी लिखता था, और डोगरी में लिखने का शौक हो गया था, रेडियो स्टेशन 48 में खुल गया था, तो रेडियो स्टेशन का उसमें भी योगदान रहा, योगदान रहा, नेचुरली रहा। और मुझे याद है कि मैंने जो पहली टाक वहाँ दी थी वो हिंदी में लिखी थी और उसको डोगरी में किया। वो छोड़ के मैं तो देख रहा था कि काफी डोगरी संस्था की जो शुरू की पब्लिकेशन है, प्रकाशन है, उनमें भूमिका भूमिका हिंदी की है, भूमिकाएं हिंदी की है, और जागो डुगर की भूमिका देखिए हिंदी की है, और बड़ी इंपॉर्टेंट वो भूमिका है। ये था हिंदी, हम ये भी चाहते थे कि दूसरे लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हमारे पास क्या है। देखिए यहाँ पहले सेक्रेटरी एक कश्मीरी मुसलमान थे, उन्होंने कहा मुझे बुला करके कि भाई डोगरों के अगर पोइट्स हैं तो पोइट्स पर कोई किताबें कोई अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिखो, मेरे वक्त में कागज़ भी अपनी मर्जी का खरीद लो, ये भी कर लो। वो हमने 5 सीरीज निकाली थी साहब, निहारिका वगैरह, हाँ जी, प्रात किरण, और ये शंभुनाथ ने लिखनी है, ये तारा स्मैलपुरी ने लिखनी है, ये दिलू, ये लोग आपके साथ कैसे जुड़ने शुरू हो गए, कैसे ये आस्ते आस्ते अपने आप महाराज, कोई पत्ता नहीं कैसे कुछ एक म्यूजिक होने लगा, और ये लोग आते गए बाद में कि इनके अंदर भी एक कीड़ा तो था ना जी। जो पहली पब्लिकेशन है डोगरी संस्था की वो जागो डुकर जी, जो इसमें 10-12 कवियों की कविताएं छापी हुई हैं, जो डोगरी संस्था का इतना अच्छा संविधान बना हुआ है पहला, वो शुरू में ही बन गया था पहली ही बार। ना साहब हमारे अंदर एक सिस्टम की भूख रहती थी कि कोई भी काम करना हो तो एक सिस्टमेटिकली करना चाहिए जी। मैंने 2 कविताएं लिखी हुई हैं जी, अब मैं 12 साल से कुछ नहीं लिख रहा कविता में, 2 कविताएं हैं डोगरी संस्था के मुतल्लिक जी। एक तो डोगरी संस्था शुरू हुई तो कहाँ कहाँ हम बैठे, मैं चाहता था कि वो जगह जो है अगर हमारे पास सामर्थ्य हो तो हम वहाँ मील पत्थर लगाएं कि डोगरी संस्था ने यहाँ भी मीटिंग की, डोगरी संस्था ने यहाँ भी मीटिंग की, डोगरी संस्था ने यहाँ भी मीटिंग की। बड़ा रेगुलरली मीटिंग्स होती थी, दीनू भाई भी पढ़ते थे, भगवत प्रसाद साठे भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था कुछ, ये शुरुआत की। और इसमें शुरू में आप 4-5 लोग, फिर 7-8 लोग, फिर कुछ सुनने वाले भी आते थे, सुनने वाले भी आते, पढ़ते नहीं थे सिर्फ, मुशायरे शुरू हो गए साहब साथ ही साथ, फिर मुशायरे ब्राह्मण सभा के वो सब आंगन में होते, पहले नीचे ही कमरे थे तो उनका आंगन बड़ा खुला था, तो शंभुनाथ शर्मा, मधुकर दीप, ये सब आते बाद में आए, ये लेकिन थोड़ा टाइम, ये 66 में तो ये सब मौजूद थे नहीं, वो तो बड़ी आगे की बात होगी, फिर मैं 44, 45, 46 की बात कर रहा हूँ, ये देखिए ना 20 साल तो हमने नवी चेतना, आपका 53 में पहला इशू निकला दिल्ली से, बिल्कुल डोगरी का सारा वॉल्यूम हम बना करके भेजते थे, पैसे हम खर्च करते थे, डोगरी संस्था का नाम नहीं देते थे वो जो वहाँ से शुरू में होता है ये सब कुछ साहब। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, हम जाते थे मुशायरे करते थे, फिर हमें ख्याल आया कि ड्रामा करना चाहिए जी, फिर हमने मिलकर के धनीराम की दुकान पर ये धनीराम खतुचकान वाले नवा ग्राम वहाँ लिखा। शास्त्री जी 1947 भी एक ऐसा वर्ष है जिसमें हमारे इस प्रदेश के लिए, हमारे सारे मुल्क के लिए ही इसका एक खास महत्व कहिए या एक बड़ी भारी घटना या दुर्घटना, जैसा भी आप समझें, अच्छी घटना की आज़ादी मिल गई, दुर्घटना के एक देश के दो हिस्से हो गए। इधर का जम्मू का जो कल्चर था, जम्मू में जो रहने वाले हमारे मुसलमान भाई थे उनको जाना पड़ा, उस माहौल के बारे में, क्योंकि एक तरफ आज़ादी आ रही है, आप डोगरी के लिए काम कर रहे हैं और डोगरी का मैंने देखा कि डोगरी संस्था का जितना रवैया है वो सारा प्रोग्रेसिव है, सेकुलर है, और उस वक्त बीच में 47 आ गया, 47 में वो फोर्सेस भी उभर के आई जो फिरका प्रस्त थी, मुल्क तकसीम हुआ, आज़ादी आई। मैं जानना चाहूँगा
कि उस वक्त जो आप लोग इतने नौजवान और काम कर रहे थे, जब आप 47 से गुजरे, इसका क्या असर? एक बात आप भूल जाते हैं, लोगों को भी याद नहीं है शायद, कि 15 अगस्त को लास्ट डे था इंडिपेंडेंस का जी, सारे हिंदुस्तान में जी, हमारी स्टेट में नहीं था। अच्छा, 15 में शेख साहब अरेस्टेड थे क्योंकि उन्होंने क्विट कश्मीर का नारा दिया था, तो 46 में उनको जेल हो गई थी 3 साल की जी, और महाराजा जी बैठे थे हरि सिंह जी श्रीनगर में, जब तक अक्टूबर में रेडर्स आए और उन्होंने अक्टूबर में जाकर के रेड्स किए, महाराजा को पता नहीं था कि रेडर्स आ रहे हैं। मुजफ्फराबाद उन्होंने एक दिन में कब्जा कर लिया जी, हमारी फौज के मुसलमान सिपाही जो थे उनसे मिल गए, मिल गए, कत्लोगारत हुई, बहुत हुई, बस वही। लेकिन रेडर्स जब आए तो फिर महाराजा को एडवाइस दी गई वीपी मैन साहब ने, वो वाइस राय के नुमाइंदे थे, कि महाराजा को वहाँ से निकालो जी। तो ये 25 और 26 की रात, दरमियानी रात जो है, उस रात को ये कश्मीर से चले साहब जी। उस वक्त तक, ये अक्टूबर की बात कर रहे हैं, एंड ऑफ अक्टूबर, 15 अगस्त की बात, हिंदुस्तान में मारकाट शुरू हो गई थी जम्मू में और कश्मीर में, कहीं कोई कत्लोगारत नहीं हुई थी साहब जी। शेख साहब जब उनको 1 साल पहले रिहाई कर दी जी, क्योंकि मजबूर होकर के महाराजा ने एक्सेशन पर दस्तखत किए जी, जम्मू आ गए थे। अच्छा, 26 को वो उनके पेपर एक्सेशन के उनके दस्तखत के साथ वीपी मेनन आए और वो ले गए, और रात को ही उन्होंने सेंक्शन दिए, और 27 को फौजें, वहाँ की फौजें आ गईं। फौजें आने लगी तो वहाँ बड़ा विजिटर था, सरकारी मुलाजम थे, अभी वो दफ्तर शिफ्ट नहीं हुए थे जम्मू कश्मीर से, तो उन्होंने कहा भाई ये जहाज जाते हैं तो जहाज खाली वापस आते हैं, इन पे जो लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, जम्मू में निरुकता नहीं था जहाज जी, तो इनको कहिए कि जो दिल्ली जाना चाहते हैं उनको हम भेज सकते, ले जाते हैं। जियालाल वसंत उसी जहाज़ों में दिल्ली पहुंचे थे, क्योंकि जियालाल वसंत पर म्यूजिशियन किया, हमारे म्यूजिशियन, उसने क्या बात है जी उनकी। तो साहब उस वक्त तक एक आदमी कहीं कोई कम्युनल वारदात नहीं हुई थी हमारी स्टेट, वारदात हुई जब रेडर्स आ गए और रेडर्स को गाइड मिल गए, वो गाइड ले करके उनको पहाड़ियों के ऊपर से ले आए, और हमारे ब्रिगेडियर साहब थे राजेंद्र सिंह जी, 100-125 आदमी लेकर के वो गए थे, और वो आदमी जो ले गए थे वो कोई ट्रेंड आदमी नहीं थे लड़ाई के लिए, डिफेंस के लिए, वो 6,000 आदमी थे जी, उनके पास वेपन्स बड़े सुपीरियर थे जी, तो उनके सामने वो एक दिन भी नहीं टिक सकते थे साहब जी। तो ये भी कंट्रोवर्शियल है कि राजेंद्र सिंह जी की डेथ कब हुई, लेकिन ये मौका नहीं है जिस पर उन पर बात की जाए, लेकिन वो गुजर गए। देखिए साहब, उस वक्त तक भी जब वो रेडर्स आ गए हैं और लोग वहाँ से मुजफ्फराबाद से और बारामूला से भागने लगे हैं, तो उस वक्त महाराजा साहब चले गए थे यहाँ से जी, उस वक्त तक कोई कम्युनल वारदात नहीं हुई थी जी। वहाँ के जो हिंदू थे पंजाब के, वेस्ट पंजाब के, वो मारकाट का बर्दाश्त करने के बाद वो आए इधर, उन्होंने मुजफ्फराबाद के सिख आए, ये आए पुंछ के सिख आए, तो उस वक्त ये उसके अपने साथ हवाल आया और वो रिएक्शन हुआ, वरना मुसलमान तो यहाँ बैठे हुए थे यार, हमें तो ये भी पता नहीं था कि ये कोई दुनिया बदल गई, कोई कम्युनल नहीं था साहब। 27 तक की बात मैं कर रहा हूँ, उस वक्त तक कोई कम्युनल वारदात नहीं हुई थी। फिर जब टांगे वाले मारे गए और ये हुआ और वो हुआ, फिर कत्ले आम शुरू हो गया बहुत सा, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। लेकिन उससे पहले, लेकिन डोगरी संस्था ने ऐसे हालात में जब शुरू हो गया अपना क्या रोल निर्धारित किया, क्या इनका? साहब हम बड़े छोटी संस्था थी उस वक्त, हमारे पास कोई ना आदमी थे ना वॉलंटियर्स थे, और हम श्रीनगर में नहीं थे जी। देखिए, पाकिस्तान ने जो रेडर्स लाए, उन रेडर्स का आप फ्रीडम एट मिडनाइट उसमें उसने वो सारा वो दिया हुआ है कि किस तरह से रीडर्स को लाया गया और कितना ट्रेनिंग दिया गया। लेकिन उस वक्त तक शेख साहब जब बाहर आए हैं तो इसी हजूरी बाग में, जिसे आजकल इकबाल पार्क कहते हैं,
वहाँ जो तकरीर की थी उस तकरीर का मैंने अपनी किताब में गंदर्व सिंह वाली किताब में जिक्र किया हुआ था कि उन्होंने ये कहा था कि भाई मेरा इरशाद ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की बात करनी है, हमने ये देखना है कि हम किसके साथ शामिल हों जहाँ हमारा फ्यूचर, हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारा साहित्य ये महफूज रहे। ये कहाँ की ये जो हजूरी बाग है जी, हम जी अमीरा कदल के पीछे अमर सिंह काले के बीच में, तो वहाँ तक साहब तो ठीक ठाक था सब कुछ। फिर ये थोड़ा सा तो गड़बड़ तो होनी थी, जम्मू में गड़बड़ हुई तो उस वजह से हुई। ठीक है, एक हमारा दिया जला था शायद, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि प्रशांत जी ने हमको पकड़ेंगे में वो म्यूनसिपल फ्लैट्स में जगह कब दी जी। उस वक्त तक तो हम खाना बदोश थे, काम करते थे, फिर हमें जगह की भी दरकार थी कि भाई हम कागज़ रखें तो कहाँ रखें। आप हैरान होंगे कि ये दो काम हो गए, एक तो मेरा नया नया कॉलेज, कॉलेज में मैं अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ उसके लिए मुझे तैयारी करनी है, ड्रामे लिखने हैं, ड्रामे करने हैं, ये करना है, वो करना है। ये 1950 तक की वारदातें जो हैं ये डोगरी संस्था की फाउंडेशन को मजबूत करने वाली बातें। नवाग्रह आपने, अबरोल जी ने, दीनू भाई ने 50 के लिखा, वो पहला था इस किस्म का लिखा हुआ मिलकर एक नाटक। और वो तो आपने बताया कि आप तो पहचान लेते हैं उसमें आपका कौन सा लिखा हुआ डायलॉग है, अबरोल साहब का कौन सा है, और इसके बड़े शो हुए। लेकिन इसमें वो एक जो नए समाज की कल्पना है, एक सेकुलर सिस्टम की, ये बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, बड़ा इंफीरियर है, छोटी किस्म का है वो कुछ भी। मैं यही बात कह रहा था कि ये उसी अरसे में जब डोगरी संस्था पूरे अभी पूरे जोर में नहीं आई थी, आ रही थी, वो बीज रखे जा रहे थे तो सब कुछ हो रहा था, तो पहली आवाज़ें ही जो संस्था की निकली थी वो सेकुलर थी, वो मॉडर्न थी, वो फॉरवर्ड लुकिंग थी, वो कोई बैकवर्ड नहीं थी। मैं ये बात कह रहा था कि ये 47 आज़ादी 47 ये सारा मिला के इस सारे का असर था आप लोगों के ऊपर भी कि हमारा समाज ऐसा। ये तो फिर कुदरत जानती है जी कि उसने अच्छा। हमारा किस तरह से ये रखवाली की और कैसे रास्ता दिखाया कि हम भटके नहीं साहब। सभा सोसाइटियाँ उनमें गलबा हो जाता है जी, और बहुत सी जगहों पर कब्जे हुए जी, आप भी देख रहे हैं शहर में कब्जे हो गए हैं। तो डोगरी संस्था की खुशकिस्मती समझिए कि हमारे साथ हमने आज तक दूसरी लैंग्वेजेस के बारे में बड़ा ओपन डोर रखा हुआ है, हम सब के साथ मिल करके काम करते थे, हमें सबका सहयोग मिलता था, पंजाबी का मिलता था और मिलता है, मिलता है, आज भी मिलता है।